वेरी गुड मीनाक्षी, व्हाट अबाउट द अदर्स? वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेशन विद द प्रेयर. कीर्ति मैम. कीर्ति मैम. हाँ बोलिए मैम. ऑलरेडी प्रेयर हो चुका है मैम. प्रेयर हो चुका है मैम. ठीक है, ओके, थैंक यू मैम. ओके, यस, टुडे ओके, थैंक यू मैम. सो इन टुडेस क्लास वी आर गोइंग टू रिकैप द स्टोरी. ओके, आई वांट ऑल माय चिल्ड्रन लिसन केयरफुली. ओके डियर्स. यस मैम. यस मैम. ओके, थैंक यू डियर. खाने का नाम क्या है? पाप का नाम क्या है? मीठे बोल. कहानी का नाम क्या है? मीठे बोल. सी इन द लास्ट क्लास द लास्ट पैरा लेफ्ट आउट, राइट? ओके, सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू रीड दैट पैरा एंड वी आर गोइंग टू द मीनिंग एंड देन वी आर गोइंग टू रिकैप ऑल द स्टोरी वन मोर टाइम. ओके, सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू रीड इन हिंदी. Then I'm going to explain one by one. Okay, dears, I want all my children repeat after me without unmute your mic. पहले वाले तोते के मालिक ने सेठ से कहा, सेठ जी, यहाँ तोता भी केस लेते जाइए. इज देयर दिस मिस्टेक? या लॉ विल कम. ओके, लेते जाइए, देखिए कितना सुंदर है. वन मोर टाइम आई वांट ऑल माय चिल्ड्रन रिपीट आफ्टर मी. पहले वाले तोते के मालिक ने सेठ से कहा, सेठ जी, या तोते, सॉरी, तोता भी लेते जाइए, देखिए कितना सुंदर है. सेठ ने कहा, तुम्हारे तोते को मीठा बोलना नहीं आता. क्या बोला सेठ जी ने? क्या बोला? तुम्हारे तोते को मीठा बोलना नहीं आता. ऐसे तो मैं एक रुपया में भी ना खरीदूं. ऐसे तो मैं एक रुपया में भी ना खरीदूं. तुम्हारा तोता शक्ल से सुंदर है तो क्या बोल तो कड़वा है? तुम्हारा तोता शक्ल से सुंदर है तो क्या बोल तो कड़वे है? पहले तोते के मालिक का सर शर्म से झुक गया. पहले तोते के मालिक का सर शर्म से झुक गया. यस, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन वन बाय वन. ओके डियर्स, सो व्हाट हैपेंड इन द प्रीवियस स्टोरी, इन द प्रीवियस पैर, व्हाट हैपेंड? सेड बाय अ सेकंड पैरेट, ही गेव अवे 1000 रुपीस एंड ही बाइट. ओके, सो नेक्स्ट व्हाट हैपेंड? द ओनर ऑफ द फर्स्ट पैरेट सेड, पहले वाले, पहले मीन्स द फर्स्ट तोते के मालिक, द ओनर ऑफ द फर्स्ट पैरेट टोल्ड टू सेठ, सेठ से कहा,
कहा मीन्स टोल्ड. ओके सेठ जी यह तोते भी लेते जाइए. यस व्हाट्स व्हाट द फर्स्ट ओनर ऑफ द पैरट सेड यू कैन टेक दिस पैरट आल्सो. सी द पैरट वाज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल. द पैरट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल. हु सेड यस द ओनर ऑफ द फर्स्ट पैरट सेड टू द सेठ यू कैन टेक दिस पैरट आल्सो. सी how she is looking very beautiful. The parrot was looking very beautiful. You know what happened? Sheth ne kaha. Sheth told tumhare tote ko meetha bolna nahi aata. Then Sheth told your parrot doesn't know how to talk sweetly or politely. Your parrot तुम्हारा तोते को मीठा मीठा मीन्स स्वीट और पोलाइटली ओके बोलना स्पीकिंग नहीं आता डजंट नो. ओके डियर्स व्हाट द सेठ टोल्ड योर पैरट डजंट नो हाउ टू स्पीक पोलाइटली एंड फॉर लाइक दिस पैरट आई विल नॉट बाय इवन फॉर 1 रुपी. व्हाट यू सेड ऐसे तोते को 1 रुपया में भी नहीं खरीदू. सी the second parrot he gave a 1000 1000 rupees lekar usne kharida. So 1000 is a big amount, right children? So what is telling, what Sheth was telling, so this parrot doesn't know how to talk politely even for 1 rupee. Also 1 rupee is a small amount, very less amount, right? For less amount also he doesn't want to buy because the parrot, the first parrot doesn't know how to speak politely. And then he said, tumhara tota shakal se sundar hai. The appearance of your parrot was beautiful. To kya bol to kadwe hai. What the sage was telling, the appearance of the parrot was very beautiful. But the way the parrot speaking was very bitter, very rude. Okay, was rude. The appearance was looking beautiful only, but the way the parrot was spoke was very rude. He doesn't know how to speak politely. All these comments given to the first owner of the parrot. So pehle tote ke malik. पहले तो द फर्स्ट पैरट ऑफ द ओनर का सर हेड शर्म से झुक गया. शर्म मींस इट फेल अशेम. ऑल दिस लिसनिंग सी व्हेनेवर इफ फॉर एग्जांपल यू हैव एनी पेट और डॉग कैट समबडी विल स्पीक अबाउट बैड अबाउट देम यू फील बैड राइट. लाइक दैट द फर्स्ट ओनर ऑफ द पैरट फेल्ट वेरी बैड एंड ही बेंड हिज head. Okay, ma'am is going to explain one more time. I want all my children to listen carefully. What happened? He bite the parrot, second parrot. He gave 1000 rupees. Okay, so next what happened? Pehle wale tote ke malik ne Sheth se kaha. The first owner of the parrot said to the Sheth, you can take this parrot also. See, the parrot was very beautiful. The parrot was looking very beautiful. Then Sheth replied, your parrot doesn't know how to speak politely. For this, I can't pay even for 1 rupee. I doesn't want to pay 1 rupee to buy this parrot. Your parrot appearance was beautiful, but he doesn't know how to speak politely. All these comments was given to the owner of the first parrot. What happened? He felt ashamed. The owner of the first parrot felt ashamed and he bent his head. Yes, dears. Yes, this parrot. You have any doubt from this parrot? Have any doubt, dears? You have any doubt?
You can text a message in chat box. Sridhar sir, the meeting room is locked. Please kindly unlock the room, sir. Yes, shall we proceed? Yes, dears. Shall we proceed? Yeah, ma'am. Yes, Kanna. Okay. Now I'm going to tell a recap a story from beginning. Okay, dears. So I want all my children listen carefully. After this, we were going to Abhyas. Okay. So, what is the title of the story? Story ka naam, us kahani ka naam kya hai? Meethe bol. Meethe means bol. You have to talk softly. Okay, politely with others. So, what happened? Ek nagar mein ek din चिड़ियों का मेला लगा। उस मेले में थरा थरा की चिड़ियां थी, जैसे मैना, कबूतर, तोता, लाल पर आदि। सो व्हाट हैपेंड इन अ टाउन, देयर वाज अ बर्ड्स एग्जिबिशन। इन दैट बर्ड एग्जिबिशन देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स, यस, लाइक फॉर एग्जांपल पैरट, मैना, कबूतर, पिजियन, तोता एंड लालपर। देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स आर देयर। ओके, देयर इन द केजेस, इनसाइड द केजेस। So next, what happened? He is a set. Who is he? He is a set. Set. First, I'm going to read in Hindi. Okay, sentence. Ek set apni dukaan ke liye ek tota khareedna chahta tha. एक पिंजड़े में बहुत सुंदर तोता देखा। सेठ वहीं रुक गया, तोते को देखने लगा। सो व्हाट हैपेंड, सेठ वांट्स टू बाय अ पैरट फॉर हिज शॉप। ओके, सो ही वेंट टू द एग्जीबिशन, बर्ड्स एग्जीबिशन, and he saw a number of birds in a cages. Okay, so in one of the cage he saw a very beautiful parrot. So he stopped there itself. He stand in front of that parrot. See, he is looking very beautiful, so stand in front of the parrot and started looking to this parrot, the beautiful parrot. Okay, you know what happened? Excuse me. So you know what happened? She stand in front of the parrot. So parrot also saw the set, and the parrot told, "Tota set ko dekhkar bola, tota set ko dekhkar bola, tu yahan kyun aaya? चले जा यहाँ से। यू नो हाउ यू हाउ द पैरट स्पोक, तोता ही सॉ द सेट एंड ही टोल्ड द पैरट, टोल्ड व्हाई यू केम हियर, गो अवे फ्रॉम दिस प्लेस, गो अवे फ्रॉम हियर। शैल वी कैन वी टॉक लाइक दिस, नो यू शुड नॉट टॉक लाइक दिस। द पैरट स्पोक वेरी रूडली, सो द सेट डजंट वांट टू बाय दिस parrot, because the parrot doesn't know how to speak politely. So what happened next? Said or
आगे बढ़ा। दूसरे पिंजड़े के तोते के सामने जा खड़ा हुआ। वह तोता बोला राम राम आइए बैठिए, आप अच्छी तरह से है। सेठ को इस तोते की बोली बहुत अच्छी लगी। ओ की मात्रा विल नॉट कम डियर, ये बड़ी की मात्रा। ओके, सम टाइपिंग मिस्टेक। ओके डियर्स, कैन रिफर द बुक। ओके, तो खुश हो गया। उसके मालिक को बुलाकर उसके दाम पूछकर वह तोते 1,000 रुपया में खरीद लिया। सो व्हाट हैपेंड, द सेठ डजंट वांट टू बाय द फर्स्ट पैरेट, सो ही मूव फॉरवर्ड। सेठ और आगे बढ़ा, ही मूव फॉरवर्ड। दूसरे पिंजरे के इन द नेक्स्ट केज, ही वेंट टू द नेक्स्ट केज के सामने जा खड़ा हुआ। सो व्हाट हैपेंड, ही मूव टू द नेक्स्ट केज एंड स्टैंड देयर इटसेल्फ। ओके, इन फ्रंट ऑफ द नेक्स्ट केज ही स्टैंड एंड स्टार्टेड लुकिंग दैट पैरेट। सो व्हाट हैपेंड, वह तोता बोला, द सेकंड पैरेट सेड राम राम आइए बैठिए, आप अच्छी तरह से है। सो व्हाट द सेकंड पैरेट डिड, ही विश द पैरेट विशेस द सेठ राम राम। राम राम इज अ गॉड नेम। ओके डियर्स, सी वी आर विशिंग जय गुरुदेव लाइक दैट। द पैरेट सेड राम राम आई कम एंड सिट डाउन, यू आर फीलिंग गुड। सी हाउ पोलाइटली द पैरेट स्पोक टू द सेठ। सेठ को इस तोते की बोली बहुत अच्छी लगी। व्हाट हैपेंड, the way the parrot spoke, the sage liked very much and became very happy. The sage became very happy, the khush ho gaya, the sage became happy. So next what happened, uske malik ko bulakar, the owner of the parrot, he called the owner of the parrot, uske daam poochkar, उसके दाम, दाम मीन्स प्राइस, ही आस्क्ड द प्राइस ऑफ द पैरेट। वह तोता 1,000 रुपया में खरीद लिया। व्हाट हैपेंड, ही पेड द सेठ पेड द 1,000 रुपीज एंड ही बाय द पैरेट, सेकंड पैरेट, ये नेक्स्ट पैरेट, सेकंड वन पैरेट। यस, सो व्हाट हैपेंड, ही लाइक वेरी मच द वे द पैरेट spoke, right? How polite he spoke, right? So he buy that parrot. So next what happened? पहले वाले तोते के मालिक ने सेठ से कहा, so what happened? The owner of the first parrot said to the sage, sage जी यह तोते भी लेते जाइए, देखिए कितना सुंदर है। सो व्हाट द फर्स्ट ओनर ऑफ द फर्स्ट पैरेट सेड, यू कैन टेक दिस पैरेट आल्सो, सी हाउ द पैरेट लुकिंग ब्यूटीफुल। देन यू नो व्हाट सेड रिप्लाई, सेड ने कहा, सेड रिप्लाई, तुम्हारे तोते को मीठा बोलना नहीं आता, योर पैरेट डजंट नो हाउ टू स्पीक स्वीटली और पोलाइटली। यस डियर्स, ऐसे तो मैं 1 रुपया में भी नहीं खरीदू फॉर दिस पैरेट, आई डजंट वांट टू पे इवन 1 रुपी बिकॉज ही डजंट नो हाउ टू स्पीक पोलाइटली। सो नेक्स्ट व्हाट हैपेंड, तुम्हारा तोता शक्ल से सुंदर है,
see tumara your parrot appearance the outer part of the appearance was good but to kya but bol to kadve hai the way the parrot speaking was bitter was rude see the parrot appearance the parrot looking beautiful but the parrot doesn't know how to speak politely so all this listening the owner of the first parrot felt ashamed and he bent his head due to he felt very bad yes so what happened pehle tote ke malik the owner of the first parrot ka sir sharm se jhuk gaya so he felt ashamed yes because the said he was a bad comment about his parrot so he felt ashamed and he bowed his head okay. Yes dears so from the story what we learned dears from the story what we learned we always talk softly with others we should talk politely with others with to everybody dears even your younger brother even if somebody will come your gas man milkman newspaper everybody okay you should give respect and you should talk politely okay we should not shout to anybody dears okay that was very bad habit okay now okay we are going to do yes Jerry what happened so name of the story is Meethe Bol yes now we are going to do abhyas see in that lesson okay we have in your textbook it don't open now okay after the session you can read it okay now ma'am is going to explain one by one okay you have to listen carefully okay dears now we are going to the activity worksheet which is in the workbook means textbook okay I want all my students listen carefully don't open your books listen carefully okay if you listen then only you can do practice at home okay if you are busy with notebook by opening a notebook and writing you will not concentrate what I am telling so I want all my children first listen carefully after the session you can do your by yourself okay dears abhyas okay there will be in textbook okay so this is an opposites okay vilom shabd means we should write opposites first ma'am is going to explain the meaning of this word and then we are going to see okay vilom shabd repeat after me vilom shabd the first one is a apni 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 means ours apni means ours okay apni okay then okay in english apni means ours so what is the opposite word you know the opposite I hope all my children will know the opposites yes we should tell opposites for example up down like this so apni means ours what is the opposite word for ours opposite words ours ka opposite ka kya word hai others right others others hindi mein kya bolte hain parayi क्या बोलते हैं पराई मीन्स अदर्स इट इज नॉट बिलोंग टू अस ओके इट इज नॉट बिलोंग टू अस पराई मीन्स इट इज नॉट बिलोंग टू अस इट्स अदर्स ओके आई वांट ऑल माय चिल्ड्रन रिपीट आफ्टर मी अपनी पराई अपनी मीन्स अवर्स Parai means others. Okay.
नेक्स्ट वन ख खरीदना 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 मीन्स बाइंग ओके खरीदना मीन्स बाइंग ओके व्हाट इज अपोजिट वर्ड इन इंग्लिश खरीद बाइंग का अपोजिट क्या है सेलिंग वेरी गुड यस यस बेचना सेलिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं बेचना वन बाय वन यू कैन गिव बिकॉज आई एम शेयरिंग द पीपीटी नो आई कांट एबल टू कॉल योर नेम्स ओके यू कैन वन बाय वन एंड म्यूट एंड टॉक नॉट एट ए टाइम फोर फाइव मेंबर्स इट विल नॉट लिसन प्रॉपरली ओके डियर्स खरीदना मीन्स बाइंग बेचना मीन्स सेलिंग ओके What is Sundar? What is the meaning of the Sundar? You can unmute and tell. Only one student can unmute and tell. Beautiful. What is the Okay, now mute yourself, Kanna. Beautiful ka meaning opposite kya hai? Ugly, right? So, असुंदर हिंदी में अगली को क्या बोलते हैं असुंदर सुंदर असुंदर सो नेक्स्ट क्या है रुकना रुकना मीन्स व्हाट स्टॉप रुकना क्या मीन्स स्टॉप सो अपोजिट का माने क्या है स्टॉप गो So from this story, Rukna means he stopped there itself. Yes, he did not move forward. So Rukna means stop. Uska opposite kya hai? Chalna. Yes, he started going, walking. Chalna means he started walking, right? Rukna, he stopped there itself. He did not move forward. Chalna means he started walking, moving. Yes, Rukna. चलना नेक्स्ट अच्छी अच्छी मीन्स वॉट गुड अच्छी मीन्स गुड बुरी बैड द सेकेंड पैर वर्स इज अ द सेकेंड पैर हैड अ गुड हैबिट्स राइट सो द फर्स्ट पैर हैविंग अ बैड हैबिट ही विल The first part spoke very rudely, right? Buri, bad. Achhi, buri. Achhi, buri. Yes? Shall we repeat one more time? Apni, parai. Ours and belong others. Okay? Karidna. बेचना खरीदना मीन्स बाइंग बेचना मीन्स सेलिंग सुंदर ब्यूटिफुल असुंदर अग्ली रुकना स्टॉप चलना चलना मीन्स गोइंग अच्छी गुड बुरी Bad. Yes, dears. I hope you all understood, right? Yes. Here we have fill in the blanks. Yes, fill in the blanks. Khali jaga. Khali means blank. Jaga means place. Burrow. Fill. You have to fill the gap. Okay, dears. Fill in the blanks. There is a blank. You have to fill. Okay, here we have some words. Okay, Sundar, Malik, Tote, Chidiyon. What is the first word? Sundar, Malik, Tote, Chidiyon. So, shall we read the first sentence? Ek din dash ka mela laga. Kaun sa mela laga? कौन सा मेला लगा एक दिन कौन सा मेला लगा यस चिड़ियों का मेला लगा सो यू हैव टू राइट
we have to write chidiyon in this blank, the blank. Okay, ek din chidiyon ka mela laga. Yes. So next, what is the next one? एक पिंजड़े में बहुत डैश तोते देखा. सो व्हाट हैपेंड, द सेठ सॉ अ नंबर ऑफ केजेस. इन वन ऑफ द केज ही सॉ अ पैरट वाज यस सुंदर ब्यूटीफुल. एक पिंजड़े में बहुत सुंदर तोते देखा. यस इन द फर्स्ट पैरट विल कम. Yes, dears. So what is the third one? Seth ko is dash ki boli bahut achhi lagi. Kiski boli achhi lagi Seth ko? Seth who's the way he spoke. Yes, liked very much. Who dear? Who? तोते पैरेट का. यस सेठ को सी द लास्ट लास्ट पैरा इट इज देयर. सेठ को इस तोते की बोली द वे द सेकंड पैरेट स्पोक. द सेकंड पैरेट स्पोक वाज वेरी गुड. ही लाइक्ड वेरी मच. सो नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट लाइन व्हाट इज इट. पहले तोते के मालिक. Sorry, dears. I told the answer. Yes. पहले तोते डैश का शर्म से झुक गया. So what happened after listening all the comments from the first parrot, the first owner of the first parrot, he felt ashamed. Yes, he felt ashamed, right? Who? Malik. Okay, the owner of the first parrot. पहले तोते के मालिक. मालिक means owner. Okay. Now shall we read sentence one by one? Ek din chidiyon ka mela laga. Kiska mela laga? Chidiyon ka mela laga. Fir iske baad kya hua? Ek pinjre mein bahut sundar तोते देखा. सेठ को इस तोते की बोली बहुत अच्छी लगी. पहले तोते के मालिक का सिर शर्म से झुक गया. यस सो नेक्स्ट वन ट्रू और फॉल्स. ओके नाउ मैम इज गोइंग टू आस्क यू ट्रू और फॉल्स. ओके यू हैव टू आंसर इन द चैट बॉक्स. ओके आई विल टेल द मीनिंग. ओके डियर्स द फर्स्ट वन. एक दिन चिड़ियों का बीड लगी थी. True or false? I want to answer in the chat box. It's a bead. What happened? Ek din chidiyon ki bead lagi thi. True or false? Yes, mela laga tha. So it's a false. For false, we have to put a cross. Okay? We have to put a cross like this. Okay, dears? Yes. The next one. एक पिंजड़े में बहुत सुंदर तोता देखा. आंसर इन द चैट बॉक्स. एक पिंजड़े में बहुत सुंदर तोता देखा. यस वेरी गुड रायान महाविद्या. यस व्हाट अबाउट अदर्स. यस कृषि जय गुरु मैम. लास्ट 3 मिनट्स मैम. यस यस सर. जय वेरी गुड जय किशोर. वेरी गुड. सो नेक्स्ट वेरी गुड निराली. यस वाई निराली एफ. निखिल डोंट सेंड लाइक दिस कन्ना. द
The next one, सेठ को इस तोते की बोली बहुत बुरी लगी. सेठ को इस तोते की बोली बहुत बुरी लगी. Listen carefully. No, it's a false. See the second parrot in the last second para. He liked the very much. Okay, is said ko is tote ki boli bahut achhi lagi. The way the second parrot spoke, he liked very much. Yes, so what happened? False. Okay, dears, first, yes, very good, Kavyashree, very good, dears, very good, dears, see, like this, you have to, very good, do you not have any doubt from the story, Kanna? From the story, you have any doubt, you can ask the doubt in the chat box. You have any doubt? और त्रिशा मैम क्लास कितने बजे शुरू हो गया? पता मैम, क्योंकि सर बाहर सबको अंदर लिए फिर तो क्या करूं मैं खत्म कर दूं? शायद उन लोगों को दूसरा खत्म कर दीजिए. ठीक है. Okay. Yes, okay. Have any doubt? No, very good. So I want all my children start reading the book, dears. Okay, simple sentences you have to read. Okay, very good. I'm very happy that you are respondent. Yes, you give the answer in the chat box. Very good, dears. So I want all my children unmute your video and say bye to your friends. Okay. Thank you, Jay Guruji. Have a nice day. We will meet our next session, Kanna. I want all my children to take classes. Thank you, Kanna. Welcome. Bye, Kanna. Bye. Jai Ma'am. Jai Ma'am. Jai Guruji.